हे गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं मेरे बालों की शॉपिंग करने, हेयर केयर शॉपिंग करने। मेरे शैम्पूज, कंडीशनर सब कुछ ख़त्म हो गया है, वो लेने जा रही हूँ। और हम बहुत लेट हो गया, और कुछ बातें मैं आपको ना कार में जाके बताती हूँ, या कौन सी बातें कार में बताती हूँ। हेलो, कहाँ पे बैठे हो आप? तो आज की इवनिंग में आप सभी का स्वागत है माय स्क्रीन माय आइडिया में। और आज का मेरा आइडिया आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ज़बरदस्त है। आज पता क्या हुआ यार, आज लाइट चली गई हमारी, इन्वर्टर भी ड्रॉप हो गया, इन्वर्टर भी खत्म हो गया, और वो सामने आंटी आ रही है, उन्हें घूर घूर के देखते रहते हैं। वो एक सामने आंटी आ रहे हैं जो पार्क में हमेशा मिलते हैं, बच्चों को डांटते रहते हैं हमेशा। तो मैं वही स्टोरी सुना रही हूँ। लास्ट टाइम जब हम पार्क में गए थे ना, तो विंकल जो सामने एक रनिंग बना होता है ना, रनिंग बना होता ट्रैक, तो उस ट्रैक के ऊपर विंकल और कुछ बच्चे खेल रहे थे। एंड अभी बच्चों ने तो खेलना ही ना, तो वो ट्रैक पे चल रहे थे और पार्क में वापिस आ रहे थे, मतलब घास के ऊपर आ रहे थे, कभी ट्रैक पे जा रहे थे। तो जब आप वॉक कर रहे हैं, आपको सामने पता है कि बच्चे ट्रैक पे हैं, तो आप ऑब्वियसली बात है आप बड़े ध्यान से वहां से चलोगे ना। तो बच्चे तो यार शाम को निकलते हैं बेचारे छोटे छोटे, है ना, पार्क में खेलने के लिए, और इतनी गर्मी में किसी को शौक तो नहीं है ना। तो हम भी पेरेंट्स तभी लेके आते हैं बच्चों को कि वो खेलेंगे थोड़ा, चलो बढ़ेंगे फूलेंगे, है ना। सो क्या हुआ, लास्ट टाइम जब हम गए थे तो विंकल के साथ कुछ ऐसे ही बच्चे और भी थे, और वो आंटी जोर जोर से चिल्लाने लगी बच्चों के ऊपर कि क्या है तुम लोग ट्रैक पे चल रहे हो, हम लोग बीच में, हमारे बीच में लगोगे और हम गिर जाएंगे, हमें चोट लगेगी, मतलब बहुत जबरदस्ती इतना से शाउटली बच्चों पे पड़ रही थी वो, कि क्या बताऊँ। मुझे इस बात का बड़ा, मुझे बहुत फील हुआ, क्योंकि चलो विंकल तो थी ही उसके अंदर, लेकिन और बच्चे भी थे। एंड तो मैंने क्या किया, जब अगला राउंड जब उसने लगाया ना, तो प्रीत बैठे हुए थे वहां पे जो बेंच वगैरह लगे होते हैं, मैं बोला भी हाँ, बोल। ये बैठे हुए थे, तो मैंने ना जस्ट आंटी को सुनाने के लिए, मुझे लगा जब आंटी पास में आई तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा बच्चे और कहाँ जाएंगे, शाम को तो बच्चों ने यहीं पे खेलना है ना, बेचारे सारा दिन अंदर कैद होते हैं और शाम को निकल के आते हैं, और फिर भी हम इन पे चिल्लाते रहते हैं, बच्चों ने तो ग्राउंड में ही खेलना है, तो हम ही अगर ध्यान से चले तो बच्चे भी खेल पाएंगे और आप भी वॉक कर पाओगे, है ना प्रीत। आंटी ने वो सुन लिया, माय गॉड, आंटी ने सब आंटीज को बताया कि उस लड़की ने मुझे ऐसा बोला, उस लड़की ने मुझे ऐसा सुनाया। और वो जब तक मैं पार्क में रही ना गाइस, वो आंटी मुझे इसी तरह से घूर घूर के देखती रही, और मुझे और मैं और प्रीत जोर जोर से हंस रहे थे कि देख, मतलब एक आंटी ने कितना बड़ा तूफान मचा दिया कि मतलब वो लड़की बहुत खतरनाक है। तो सभी मुझे इस तरह से देख रहे थे जैसे मैंने किसका खून कर दिया हो। माय गॉड, मतलब ऐसे बंदे भी होते हैं। देखो आप लोग बुजुर्ग हो, बुजुर्ग तो वैसे ही बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, दादी नानी सब, है ना, और कुछ ऐसे टिपिकल पेरेंट्स, ये ग्रैंड पेरेंट्स भी मिल जाते हैं हमें, जो ऐसा ऐसा फील करते हैं बच्चों को देख के। आई डोंट नो वो घर पे लड़के आई थी क्या था उनका, आई रियली डोंट नो, बट वही जा रहे थे रास्ते में और मुझे प्रीत बोल रही है तुम्हारी फ्रेंड आ गई। एनीवे, आज मैं जा रही हूँ कंडीशन अपना शैम्पू लेने, और यहाँ पे आसपास मुझे कहीं नहीं मिला, तो अगेन मुझे जाना पड़ेगा मेरे फेवरेट स्टोर में लाइंस, वहाँ पे मुझे कंफर्म नहीं है कि वो मुझे मिल जाएगा मेरा शैम्पू। एक जो शैम्पू मुझे चाहिए है वो नेचुरल है, मतलब नेचुरल इन द सेंस उसके अंदर कोई केमिकल पैराफिन नहीं है, और मेरा खत्म हो चुका है, आप देख सकते हो पूरा चोपड़ू सिर बना पड़ा है मेरा, पूरा ऑयल पूरा मेरे बालों में, चोपड़ू चोपड़ू आप बोल रहे हो चोपड़ू, मम्मा का हेयर कैसे उपड़ा, चोपड़ू चोपड़ू चोपड़ू। सो चलते हैं हम, बस पहुंचने ही वाले हैं हम खैर लाइन स्टोर के पास। एंड आज क्या हुआ, आज मैं जो एक्चुअली में पहले बात मैंने शुरू की थी वो ये थी कि दोपहर को लाइट चल गई हमारी, इन्वर्टर भी गायब हो गया, इन्वर्टर भी खत्म हो गया, उसकी उसका जो था स्टोरेज वो भी खत्म हो गई, और गर्मी, ओ माय गॉड, इस गर्मी ने ना मतलब हमारी बैंड बजा दी यार, पसीना। और मुझे बोल रहे हैं जल्दी जल्दी ऐसे कर, हमने जाना है स्टोर में, चलते हैं, ये मुझे बोल रहे हैं लाइंस चलते हैं वहाँ पे, ऐसे लगेंगे वो हवा खा के आते हैं। क्या आप लोग ऐसा करते हो यार, मतलब हम तो कर सकते हैं क्योंकि ये भी हमारे पास में ही है स्टोर भी, और जब लाइट चले जाए तो कहते हैं ना आसपास के स्टोर में चले जाओ, वहाँ पे एसी भी होता है, लाइट भी होती है, पे तो सब कुछ चक होता है, तो आपकी तो गर्मी भी खत्म हो जाएगी। लाइट डाउन होगी थी, लेकिन इन्वर्टर नहीं, वो क्या होता है जनरेटर,
नहीं इन्वर्टर नहीं नहीं इसके अंदर जो बड़े मॉल वगैरह होते हैं इनमें तो लाइट जाती नहीं है ना, गलत काम हो गया फिर जरा। अगेन इन्होंने गलत काम किया यार। अच्छा ये बंद कर दिया ना इन्होंने, क्या किया ये इन्होंने? आज फिर से पार्किंग फुल है क्या? उन्होंने उत्तर फिर नहीं जान देना, उन्होंने फिर से हमें गाड़ी बाहर पार्क करनी पड़ेगी। क्यों करते हैं ये ऐसा? कार तो जा रही है प्रीत अंदर, जाम लग रहा है। आई डोंट नो यार, एमबीडी के बाहर ना इन्होंने पता नहीं कैसे रास्ता पता नहीं कैसे बना दिया है इन्होंने। अच्छा इधर तो जान नहीं देनी, इधर तो जाने नहीं देंगे। अब घूम के हम आएंगे नहीं, घूम के ऐसे आ जाएंगे। चलो बात करके देखते हैं आज कोई नए बंदे हैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये जाने देती है या नहीं। मुझे लगता नहीं है वैसे जाने देंगे, क्योंकि इनकी भी स्ट्रिक्टनेस होती है ना। बुला के पूछते हैं, बुला के पूछो कैसे घूम के जाना पड़ेगा। बुला के पूछ लेते हैं ना, रुक जाओ बुला के पूछते हैं। ठीक है उधर दी बुरा है रास्ता, हम इधर दी होया करूंगा है। अभी फिर से जाएंगे हम, ठीक है। थैंक गॉड ना सिक्योरिटी वालों ने हमें जाने दिया, वरना जाने नहीं देते ये। आज सिक्योरिटी वालों ने हमें जाने दे दिया, वरना जाने नहीं देते हमें। हमें पिछली बार बाहर ही पार्क करनी पड़ी थी हमारी कार। Well, अच्छा हुआ आज हमें जाने दे दिया। हाँ ये तो है, हाँ क्योंकि रिलायंस में शॉपिंग ज्यादा हो जाती है तो हमें पार्किंग फ्री मिल जाती है। सत श्री अकाल बोल रहे चलो पंजाब में ये चीज सबसे बेस्ट चलती है। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ये देखो कद्दू साड़े की करने वाला है। छोटू छोटे छोटे क्यों कर रही हो आप, क्यों कर रही हो? अभी देखो इसके रोने का स्टाइल। अंधेरा हो गया, अभी कोई फायदा नहीं है मुझे शूट करने का। आपको मिलती हूँ मैं अंदर जाके। हेलो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं मैक्स में। तो ये देखो क्या देख रहे हैं, आज बिल्कुल खाली पड़ा है मैक्स ना। वन पीस बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं गाइस, ये देखो वन पीस दिखाना। इनका आप क्या लेके आए हो, बैग बता दो, सभी सभी को बता दो मैं क्या लेके आया हूं। पिंक बैग लेके आया, रबर टाइप स्टफ है, थोड़ा सा रबर टाइप। मैक्स खाली क्यों पड़ा है इतना? अभी मुझे लगता है डिस्काउंट खत्म हो चुका है। हम कुछ कपड़े लेने आए थे तो अभी लग रहा ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा, डिस्काउंट वगैरह खत्म हो चुका है ना। टमी तो कम कर ले अपना, पेट को अंदर को खींचा हुआ है इसलिए लग रहा है। इतना तो चलो है, होता ही है ना, इतना तो है टमी, इतना नहीं है मेरा। अभी साथ अभी सभी पे डिस्काउंट खत्म हो चुका है तो अब हम अगले स्टोर में देखते हैं कुछ है, कुछ डिस्काउंट चल रहा है। और ये देख रही है किसकी आवाज़ आ रही है। तो उसके पीछे लुकी खड़ी है देखो। अच्छे हैं ना यार ये छोटे छोटे से डेली वेयर के लिए है ना। Thank you.
हम वेट कर रहे हैं लिफ्ट की, लिफ्ट आ गई है वन पे एंड पति कर रहे हैं विंदल के साथ मस्ती। ये है मॉल मस्ती, ये प्रीत ये मॉल मस्ती, मौज मस्ती नहीं मॉल मस्ती, ये मॉल मस्ती नहीं ये मॉल मस्ती है। ये देखो इस बंदर को, ये देखो इस बंदर को मॉल मस्ती। तो हम छोड़ के चले जाएंगे जहाँ पे हम जा रहे हैं। ओके बाय। हम लिफ्ट में जा रहे हैं ऊपर, आप अपने क्या मतलब ये सभी देखेंगे आपको, कहेंगे क्या गंदा बच्चा, देख लीजिए देख रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड, तो देखेंगे आपको। हे गाइस तो अभी हम लिफ्ट की लिफ्ट आ जाती है अभी, आई थिंक विंकल आ जाओ, हम चलते हैं ऊपर। चलो 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 यहाँ पे कुछ बहुत अच्छी आ रही है फ्रेगनेंस, ओह माय गॉड वाली। हमें ग्राउंड फ्लोर पे डिस्काउंट सारे खत्म हो गए हैं और हम आ रहे हैं बस ऐसे ही। डिस्काउंट पे मैंने विंकल के लिए लिया है कच्चा, विंकल के लिए लिया ये। और अभी हम और भी देख रहे हैं यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, इनके ऊपर भी मे भी है मेरी बहुत अच्छी है। फिर ये देखना यहाँ पे इधर बॉयज़ का होगा ना ये तो। खुला रहने दे, बाय बाय। देखो दोस्तों अभी बाहर आएंगे अपना हुलिया चेंज करके। ओए विंकल तो बड़ा अच्छा बन गया। विंकल अच्छी तरह स्टाइल मारो, स्टाइल टॉप नीवा ठीक है। बाकी देखनी थी ना, वो देखो भैया ओ ओ ओ ओके में वो छोटी है, वो ज्यादा छोटी है, ये सबसे बड़ी है। निकल बड़ी हो गई इसको भी ये साइज है ना। वैसे ठीक अब कहां जा रहे हो दोबारा? अब कच्चा पहन के आती है निकल को कच्चा तुम्हारा दोबारा। अब बिग जाएगी कच्चा पहन के आती है। ओके वेट फॉर हियर निकल, बोलो गाइस 5 मिनट वेट करना। खोल गेट खोलो। की कर रहा जमूरा खड़े दिखाओ, देखो सामने ठीक है नहीं? नाइस। बस आई थिंक टू इज बेस्ट। ओ विंकल आओ, आपकी शॉपिंग हो गई बेटा, चलो।
गाइस डेकोरेशन के लिए देखो, माय गॉड मेरा तो ना बस क्या बताऊँ, दिल कर रहा है यहीं पे रह जाऊँ। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आई हुई हैं आज तो, माय गॉड बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आई हुई हैं। यहाँ से हम काफ़ी सामान पहले ले चुके हैं बट और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं यहाँ पे। लाइफ स्टाइल में अच्छी और सस्ती, यम यम यम। खाने वाली नहीं है मतलब, यम मतलब देखने में जो यम वाला होता है ना, वो वाला यम। मज़ा आ गया। यस गाइस, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे। वेरी वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखो आप बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। लाइफ स्टाइल में ना डेकोरेशन, होम डेकोरेशन के लिए, ड्राइंग रूम के लिए, आपके घर के लिए बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके, एंड काफ़ी चीज़ें मैं ऑलरेडी यहाँ से ले चुकी हूँ। वो जब बड़ा सा घर बनाऊँगी तब लेके जाऊँगी और भी चीज़ें। गाइस मैं एक घंटे से पति की वेट कर रही हूँ, एक घंटे से पति जी कपड़े चेंज कर करके बोर कर रहे हैं मुझे। मुझे नहीं पता उन्हें पसंद आ रही है या नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्हें मुझे बहुत बोर कर दिया। और ये गंदी सी लिपस्टिक देखो जमगी है यहाँ पे जमगी है गंदी सी लिपस्टिक। और विंकल का भी अब तो बुरा हाल हो गया, अब तो विंकल भी जाना चाहती है। इसने वाइट कपड़े पूरी तरह से गंदे कर लिए हैं। देखो दिखाओ यहाँ पे, ये गंदे कपड़े दिखाओ सबको, गंदे कपड़े दिखाओ। हे गाइस, मौसम आज बहुत 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 अच्छा है और मेरा दिल कर रहा था मैं बाहर शूट करूं। एंड आज बहुत मस्ती की हमने, बहुत मज़ा किया। घर पे कोई आया हुआ है, घर पे आए हैं, कौन से गेस्ट हैं मैं आपको थोड़ी देर में मिलवाती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा अपना काम ख़त्म कर लूँ, फिर मैं अपने गेस्ट से आप लोगों को मिलवाती हूँ। हे गाइस, तो मैं जिन्हें मिलवाने वाली थी वो है मेरी सिस्टर सोनम जो भी आई है, एंड हेमू जिसे आप मेरे पहले भी ब्लॉग में देख चुके हैं पति। और आज मौसम बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है तो हम खा रहे हैं पकौड़े विद समोसे, चटनी, हरी चटनी, लाल चटनी। आई होप आप लोग भी आनंद उठाएं इस चीज़ का। जल्दी जल्दी आप भी, बारिश का मौसम है तो आप भी पकौड़े एंड समोसे ये सब इन्जॉय करो। कभी कभी चलता है, डोंट वरी, हमेशा डाइट प्लान जो है प्रॉपर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मन की बात भी जाननी नहीं चाहिए और दिमाग के हिसाब से, मन के हिसाब से पानी आ रहा है, ये सब खा जाएंगे। मैं बाद में बात करती हूँ आप लोगों से।